श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान यज्ञ ग्राम मेरापुर छदामी पोस्ट अमरसराय जनपद मैनपुरी में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान यज्ञ की कथा का शुभारंभ आलोक शाक्य पूर्व राजमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया तथा इस अवसर पर आचार्य समर्पण जी महाराज व आचार्य श्री परमानंद जी महाराज के द्वारा कथा सुनाई गई। आज तृतीय दिवस पर परमानंद जी महाराज ने अजामिल प्रसंग बताया जिसमें नाम के माध्यम से जीव संसार सागर को पार कर सकता है। पापी से पापी जीव अगर प्रभु का नाम का स्मरण करें तो चित्त में शुद्धि आ जाती है और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। गुरु जीवन के अनमोल रूप हैं जिसे आत्मा में बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए गुरु भगवान से मिलाने की कड़ी है। गुरु के बिना व्यक्ति अज्ञानी होता है। गुरु ही सतमार्ग दिखाकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मानव के जीवन में भी आचार संहिता लागू होती है। कहां क्या बोलना है या नहीं बोलना, ब्रह्म हत्या के बारे में महाराज ने बताया कि इंद्रदेव ने विश्वरूप को मारा जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या लगी, इसलिए इंद्रदेव को इंद्रासन का परित्याग करना पड़ा। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है परंतु उसका परिणाम अच्छा होता है। भगवान नरसिंह अवतार लेकर सत्य के मार्ग पर चलने वाले भक्त प्रहलाद के लिए दौड़े चले आए और भक्त की रक्षा कर कण कण में भगवान होने का प्रमाण प्रस्तुत किया और तरह तरह की झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर धनीराम शाक्य, श्रीमती मिथिलेश कुमारी, श्री दीपेंद्र सिंह शाक्य के उद्योगपति डॉक्टर राम सिंह, राजकुमार शाक्य, मनोज कुमार शाक्य, सरोज शाक्य, रवि शाक्य, मोहित शाक्य, राहुल शाक्य, रोहित शाक्य, शिवम शाक्य, ऋषभ शाक्य, गगन शाक्य व समस्त ग्रामवासी व क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद।